नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं एक वैलेंटाइन स्पेशल रेसिपी। इसका नाम है स्वीट हार्ट, जो कि एक बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। स्वीट हार्ट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 8 ब्रेड। ये मैंने मीडियम साइज़ के ब्रेड लिए हैं। अब इन ब्रेड्स को हार्ट शेप में काट लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक सीज़र से इसके चारों कोनों को ऐसे निकाल देंगे। अब ब्रेड के मिडिल से ऐसे हार्ट शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे हार्ट शेप देंगे। और इस तरीके से इसके किनारों को ऐसे काट देंगे। ये देखिए, एक हार्ट की शेप तैयार हो चुकी है। तो अब इसे रख लेंगे और इसी तरह बाकी के हार्ट शेप भी तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड के सारे हार्ट्स तैयार कर लिए हैं मैंने। तो अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब गैस पर एक तवा गरम करेंगे और इस पर एक चम्मच बटर अप्लाई करेंगे। ऐसे फैला देंगे इसे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पिघल जाने के बाद इस पर सारे हार्ट्स रख देंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है, वरना बटर जलने लगेगा। ये सारे हर्ट्स अब सेक लेंगे 2 मिनट के लिए एक साइड से। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, तो अब ऐसे पलट लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सारे हर्ट भी पलट देंगे। और दूसरी साइड भी इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए सेक लेना है। ये हर्ट अच्छे से सेक चुका है, काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है ये। तो आप गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये सारे हर्ट सिक चुके हैं अच्छे से। तो अब अगले प्रोसेस में चलते हैं। अब हमें एक शुगर सिरप तैयार करना है। तो इसके लिए एक बर्तन में 1/2 कप चीनी डालेंगे, 1 कप पानी ऐड करेंगे, थोड़ा चला लेंगे इसे। और इसे हाई फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये चीनी घुलने लगी है इसमें, तो अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, 2 चुटकी रेड फूड कलर, और आप अच्छे से मिला लेंगे इसे। हमें इसे लगभग 10 मिनट उबलने देना है। 10 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शुगर सिरप ठंडा हो चुका है, तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक हर्ट लेंगे और इसे शुगर सिरप में डिप करेंगे दोनों साइड से। इसका एक्सेस सिरप ऐसे निकाल देंगे और अब इसे कसे हुए नारियल में ऐसे कोट करेंगे। हल्का हल्का ऐसे प्रेस करना है, जिससे कसा हुआ नारियल अच्छे से चारों तरफ लग जाए इसमें। और अब इसे एक प्लेट पर रख लेंगे। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी प्रोसेस से बाकी सारे हर्ट भी तैयार कर लेंगे। सारे स्वीट हर्ट्स बनाने के बाद इन्हें 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि शुगर सिरप इसमें अच्छे से सोख हो जाए। ये स्वीट हर्ट्स तैयार हो चुके हैं।
आप चाहें तो इन्हें 10 मिनट फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं, ठंडा होकर ये और भी टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।